सो गाइस ओके, तो आज के हमारे इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप का स्माइली फेस फोटो एडिटिंग करने वाले जी गाइस, ठीक है ना। तो आज हमने कुछ इस टाइप से अपने स्माइली फोटो एडिटिंग किया है, इसी के साथ हमने फेस को स्मूथ भी किया है, गोरा भी किया है। एंड जैसे कि हमारा ओरिजिनल पिक्चर ये है सिंपली, और कुछ इस टाइप का एडिटिंग किया है। और अगर आप इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो बिना स्किप किए फुल एंड तक वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हैं, हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने ओरिजिनल पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी फोटो को आपको एडिट एंड स्माइली बनाना है, ठीक है। एंड देन इसको शेयर करना है सबसे पहले अपने स्नैपसीड ऐप में। जी गाइस, तो हम इस फेस के जो क्या लाइटिंग एडजस्ट कराएंगे ताकि फेस स्मूथ करने में हमें काफ़ी आसानी मिले। जैसे कि हम आ चुके हैं स्नैपसीड ऐप में, सिंपल आपको टूल्स पर आ जाना है एंड यहाँ से आपको सिलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन इसके बाद आपको जहाँ पर भी डार्क है वहाँ पर आपको इस प्रकार करके लाइट को फुल इंक्रीज कर लेना है, ठीक है ना। तो लाइट इंक्रीज करने से क्या होगा कि हम फेस को स्मूथ करेंगे तो हमें बीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डार्क वगैरह होते हैं तो हमारे फेस स्मूथ अच्छे से हम स्मूथ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको डार्क सबको रिमूव कर लेना है। तो यहाँ से क्या है कि मैं सारे डार्क सर्कल को वगैरह को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ सिंपली, जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया है गाइस, सिंपली डन। एंड फिर आपको क्या करना है गाइस, आपको देना है वापस टूल्स पर एंड आपको डिटेल पर टैप कर लेना है। फिर आपको थोड़ी सी डिटेल इंक्रीज़ कर लेनी है, देन आपको शार्पनेस को भी इंक्रीज़ करना है थोड़ा सा, जैसे कि 7%। फिर ऐसे अपडेट कर लेंगे एंड डन कर लेने के बाद आपको इस फोटो को क्या करना है कि शेयर कर देना है अपने एयरब्रेस ऐप में, ठीक है ना। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये नया ऐप है जिसमें हम फेस को स्मूथ करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम ऑटोडेस्क में ना करके एयरब्रेस में अपने फेस को स्मूथ करेंगे। तो जैसे कि ये रहा हमारा एयरब्रेस सिंपली। सो गाइस हमारा फोटो क्या है कि एयरब्रेस ऐप में आ चुका है सिंपली। तो आपको यहाँ पर साइड में दिख जाएगा स्मूथ पर टैप कर लेना है, फिर आपको हेवी पर टैप करना है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है अपने फोटो को एंड देन कुछ इस टाइप से आपको रब करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना मजा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना अच्छा से हमारे यहाँ पर जो फेस जो स्मूथ हो रहा है यहाँ पर सिंपली। तो आपको ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है, थोड़ा नॉर्मली करना है ताकि क्या है कि फोटो देखने में रियल एंड अच्छा लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली फेस स्मूथ करेंगे, हार्ड फेस स्मूथ नहीं करना है आपको सिंपली। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपने फेस को स्मूथ यहाँ पर कर लेता हूँ सिंपली, थोड़ा सा वीडियो फास्ट करके। अब देखिए कितना अच्छा सा हमारा फेस जो यहाँ पर स्मूथ हो चुका है, ठीक है नॉर्मली सा। फिर यहाँ सब कुछ सिंपली डन कर देना है। इनवेस्ट डन कर लेने के बाद आपको जाना है यहाँ पर मेकअप वाले ऑप्शन पर एंड सिंपली आपको लिप्स पर टैप कर लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि तो हमारे लिप्स पर आ चुका है सिंपली ये सर बहुत सारे कलर, आप सिंपली आपको जो कौन सा भी कलर लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जैसे कि ये वाला कलर ले लेते हैं रेड वाला, ठीक है ना, RD04, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं जैसे कि सुज, जैसे कि आप देखिए हमारे लिप्स पे कितना अच्छा सा यहाँ पर कलर आ चुका है ना, ठीक है ना। तो हम जैसे कि थोड़ा सा कम कर लेंगे, थोड़ा सा जैसे कि हम रखेंगे 47, ठीक है। फिर यहाँ से हम सिंपली डन कर देंगे एंड गाइस डन कर लेने के बाद जैसे कि हम काफ़ी अंतर आ चुका है हमारे फेस में, बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ एंड बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर। सो गाइस अब आपको क्या करना है कि सिंपली इस फोटो को यहाँ से शेयर कर देना है आपको अपने लाइटरूम ऐप में, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 डॉट पर टैप करके यहाँ से आपको डायरेक्टली शेयर कर देना है अपने अडोब लाइटरूम ऐप में। तो ये रहा हमारा लाइटरूम ऐप, और सिंपली इस फोटो को हम ऐड कर लेते हैं लाइटरूम ऐप में। सो ही गाइस हमारा फोटो चुका है लाइटरूम ऐप में। अब सिंपली आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाना है लाइट पर एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, जैसे कि हम कर रहे हैं 8%। हाईलाइट है ना गाइस, हाईलाइट को माइनस करना है आपको 17%, ठीक है। शेडोज को इंक्रीज 40%, एंड जो व्हाइट्स है ना तो व्हाइट्स को माइनस 13%, एंड जो ब्लैक्स है तो ब्लैक्स को अगेन 32%, ठीक है। फिर आपको जाना है यहाँ पर कलर पर एंड जो वाइब्रेशन है थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेनी है आपको 15%, ठीक है। फिर आपको आ जाना है मिक्स टूल एंड सिंपली आपको जैसे कि फेस कलर टोन इसकी सिचुएशन माइनस एंड इसका जो लाइट है इसको आपको इंक्रीज कर लेना है सिंपली। तो हम रख रहे हैं ऐसे कि 44, ठीक है, थोड़ा सा हम कम कर लेंगे 30। एंड देन इसके बाद आपको जो रेड कलर इसकी जैसे सॉरी का येलो कलर इसकी सिचुएशन माइनस एंड जो ग्रीन टोन है इसकी सिचुएशन भी माइनस कर लेनी है आपको। एंड देन जो रेड कलर इसकी सिचुएशन इंक्रीज एंड जो गाइस इसका ह्यू है आपको कुछ इस प्रकार से आप चाहो जैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम कुछ अलग सा कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। फिर जो बाकी की जैसे कि पिंक टोन है इसकी सिचुएशन इंक्रीज एंड जो गाइस आपको सिचुएशन माइनस, ठीक है ओके। फिर यहाँ से हम सिंपली डन कर देंगे। अब आ जाना आपको इफेक्ट्स पर सिंपली का टेक्सचर, उसके बाद आपको क्या करना है टेक्सचर है ना इसको आपको सिंपली माइनस कर लेना है। एंड देन जो आपको क्या करना है गाइस जो क्लियरिटी इसको इंक्रीज कर लेना है आपको। एंड देन आपको जाना डिटेल पर सिंपली आपको शार्पनेस को इंक्रीज एंड यहाँ पर डिटेल इंक्रीज एंड ऐसे नॉइज रिडक्शन को भी इंक्रीज, ठीक है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप जैसे देखो बिफोर आफ्टर काफ़ी ज़्यादा अंतर आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि सिंपली इस फोटो को हम स्माइली फेस करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा इसको अपने फेस ऐप में, ठीक है।
तो जैसे कि हम इसको फेस ऐप में ऐड कर देते हैं सिंपली। सो गाइस हमारा फोटो आ चुका है यहाँ पर फेस ऐप में, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, स्माइल पर टैप कर लेना है एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर वाइड स्माइल पर टैप करना है, ठीक है। एंड आपको वॉच ऐड, तो आप एक ऐड वॉच कर लीजिएगा। एंड सिंपली आपको क्या है कि आपका स्माइली बहुत ही, बस हम वेट करते हैं और हम एक ऐड वॉच कर लेते हैं सिंपली यहाँ पर। सो ऐड वॉच करने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारे फेस पर स्माइली आ चुका है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी बढ़िया सा स्माइली फेस हो चुका है हमारा, ठीक है ना मैजान। तो जैसे कि अगर मैंने कहा था उस टाइप का आपने स्माइली फेस एंड फेस फोटो एडिटिंग करना सीख गए यार, सीखे तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूले और चैनल में तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन कर देना। सो फिर मिलते हैं ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय।